मूर्ति बन रही माता रानी की, उसको वीडियो को शूट करने, तो कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो मैं सोचा कि उसी का वीडियो बना लूँ। अभी घूमूंगा कि घूमूंगा, दोस्त लोग सब बिजी हैं, तो आसपास का ही अभी सोच रहा हूँ थोड़ी वीडियो बना लूँ, तो दिखाऊंगा और कारीगर से थोड़ी बात करेंगे क्या है कैसा है, कब से मूर्ति बना रहे हैं माता रानी की। तो वीडियो में बने रहिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो देख के मज़ा आएगा। बहुत सारी मूर्तियाँ हैं यहीं सूरजपुर में, और अगर जो लोग बाहर से होंगे आसपास बाहर थोड़ी और इंटरेस्टेड होंगे तो देखिएगा मेरी वीडियो को, और कहीं मूर्ति पसंद आएगा तो ले लीजिएगा, है ना। तो चलते हैं दोस्तों, देख रहे हो दोस्तों ये है हीरो जिम लवर। फोन किया देगा? फोन नहीं किया रहा यार, तेल ख़त्म हो गया मेरी गाड़ी में दोस्तों, तेल भी ख़त्म हो गया, उसको डलाना पड़ेगा। चलें तेल डला लें, उसके बाद ही वीडियो बनाएंगे। अरे यहाँ पंडाल सज रहा है ना। हाँ मेरा दोस्तों ये पंडाल, और हम लोग को जहाँ जाना था वो ये है, लेकिन अभी जा रहे हैं पेट्रोल गाड़ी में, पेट्रोल है ये सही समय पे चालू हो गया चौक लेके, वरना तो गया था गाड़ी, वैसे चालू नहीं होती, लेकिन चल चालू हो गया। और अभी डलाते हैं पेट्रोल का भी ले लेना है कि नहीं। हाँ 4K में ना भाई, मेरे को वो चीज़ लेना पड़ेगा, 4K वीडियो बना, इतना ज़बरदस्त आता है ना मजबूत, लेकिन लैपटॉप लेना, लैपटॉप मेरा चल नहीं रहा है, लैपटॉप लेना पड़ेगा ये, क्योंकि डेस्कटॉप लूँगा तो भाई कहीं जा रहा है मान ले रुकेगा गाड़ी। हाँ बंद हो गया गाड़ी, सही जगह पहुँच के बंद हो गया गाड़ी, सही जगह में सही जगह, चालू करने में टाइम थोड़ा सा लगेगा तो डराते हैं भाई अभी। लो भाई डाल दे यार मेरे भाई, 70 का। ये रहता है ठीक, यहाँ से भरवा के निकल चुके हैं, अब डायरेक्ट आपको मिलते हैं वही। और एक पंडाल ये रहा दोस्तों, इसको भी दिखा रहा, भूल गए जल्दी जल्दी दिखा रहा है क्या इसको। हाँ तो एक पंडाल ये रहा, कब बैठेगा? 26 को बैठेगा ना। हाँ 26 को बैठेगा, अभी तो तैयारी हो रहा है, 26 तो मान के चलो कल ही है, और रात में भी थोड़ा सीन अच्छा लगेगा क्योंकि यहाँ से पूरा बेरियर के ऊपर में पूरा झालर वगैरह लगा दिए, लाइटिंग वाइटिंग अच्छा खासा कर दिए हैं। जब रात को आएंगे कभी नाइट में शूट करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि सूरजपुर नाइट में कैसा लगता है। इस बार मतलब कि नवरात्र एकदम धूमधाम से मनने वाला है सूरजपुर में, अब हर साल यहीं से बनता है ना ये मूर्तियाँ। और ये तो अभी न्यू प्लेस आया है ना, ये यहाँ बनना चालू है पहली बार। हाँ यहाँ अभी स्टार्ट हुआ। ये रहा तो यहीं से हर साल बनता है मूर्ति, देखिए आपको दिखाते हैं। चलिए अंदर, तो पहुंच गए हैं यहाँ, पहुंच गए यहाँ, और आपको पीछे में दिख रही होगी काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ है ना। तो और आते हैं अंदर आपको दिखाते हैं इस साइड, बेहतरीन बेहतरीन मूर्तियाँ हैं, ये सारी काफ़ी मूर्तियाँ हैं, आपको दिखा दूँ मैं ऐसे करके, तो देख सकते हैं आपको मूर्तियाँ, काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं ये माता रानी की। अभी सजावट बाकी है, अभी पेंटिंग वेंटिंग चल रही है, और ये भैया लोग काम कर रहे हैं, पेंटिंग मार रहे हैं क्या भैया? उससे दिखा दूँ मैं आपको, ये काफ़ी सारी मूर्तियाँ अभी पेंटिंग चल रही हैं, अभी कुछ काम बाकी है,
ये सही है भाई, लग रहा है बड़ा लग रहा है सबको। हाँ ये वाला ना, ये शेर थोड़ी बड़ा लग रहा है मेरे को, ये और ये सेम है यार। काफ़ी लोग वीडियो देख के थोड़ी घबरा जाते हैं नहीं। ये दोस्तों देख सकते काफ़ी सारी मूर्तियां हैं, अभी दिन में काम बाकी है। बेहतरीन बेहतरीन मूर्ति है भाई, मज़ा आ जाएगा नहीं देख के। मन तो कर रहा था कि मैं उसको 4K वीडियो में शूट करूं, पर क्या करूं मेरे भाई है नहीं। और ये गणेश जी की मूर्तियां, साइड में भी गणेश जी बैठाते हैं ना। और ये दोस्तों सबसे बड़ी मूर्ति देख, ये सबसे बड़ा है, ये एक ही में है देखना, एक ही में ये। हाँ ये भाई, और भैया अभी काम कर रहे इस पे मूर्ति पे। आ जा इधर, ये ठीक है। आप लोग जो इंटरेस्टेड होंगे लेने में वो आइएगा सूरजपुर, जो सूरजपुर के आसपास के होंगे। और भैया अभी पेंटिंग भी मार रहे हैं तो लीजिएगा अगर आपको पसंद आएगा तो। और ये इसको दिखा दो क्या, हाँ मुंडी वगैरह, मुंडी वगैरह होगी। छोटा छोटा हाँ, ये गणेश दिखा दी, गणेश जी ये रिद्धि सिद्धि है। बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ, छोटी बड़ी सभी मूर्तियाँ हैं। ये रही दिखा देता हूँ, ये गणेश जी की मूर्ति। फोटो खींचेगा क्या मेरा, ये वाला गली गैंग, गली गैंग। तो मैं सोच रहा था यहाँ बहुत दिन से आने को कि वीडियो बनाऊंगा, पर कोई मिल नहीं रहा था, मतलब अकेले भी मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैं सोचा कि प्रिंस मिला तो इसी को बोला कि चलते हैं वीडियो बनाने। पीके बोलो, पीके नाम क्या? हाँ पीके 09, पीके 09 है भाई। तो देख सकते हो दोस्तों काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। और भैया लोग मूर्तियाँ बच गई हैं, ये मूर्तियाँ बच गई, ये तो रिद्धि सिद्धि है। नहीं नहीं ठीक है, हाँ ये विश्वकर्मा जी हैं यार, वो भी हैं, उनका बाल बड़ा हो गया। ये दोस्तों देख सकते हैं ये मूर्तियाँ बच गई हैं, उनको लगता है विश्वकर्मा जी की। इधर भैया पेंटिंग मार रहे हैं, भैया अभी पेंटिंग का काम चल रहा है। कितना दिन लगेगा अभी? अभी तो आज अभी तो बैठ जाएगी, मेरे को लगता है 26 तारीख को तो बैठेगी, उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग कितने, मतलब कितने दिनों से चालू करते हैं बनाना? महीना दो महीना पहले से? हाँ हाँ, मतलब जुलाई अगस्त से चालू हो जाते हैं। गणेश जी भी तो बनाते ही हैं उतना सारा, फिर उसके बाद यही करो। तो चलिए दोस्तों, भैया बताएं कि जुलाई अगस्त से ही चालू कर देते क्योंकि काफ़ी सारी मूर्तियां रहती हैं। तो दोस्तों इधर हम लोग नहीं आए थे, और इधर भी काफ़ी सारी मूर्तियां आपको दिखा दूँ मैं, बहुत सारी मूर्तियां हैं देख सकते हैं दोस्तों। मुझे पता ही नहीं था कि इतनी सारी मूर्तियां बनती हुई, यहीं से बनता रहा क्या पहले ना प्रिंस? मतलब कि प्लेस चेंज किया है। प्ले मतलब बनता यहीं रहा, अच्छा और अब यहाँ शिफ्ट कर दिए। देख सकते हो दोस्तों, पहले भैया थान में था, अब यहाँ शिफ्ट कर दिए। तो आइडिया नहीं था मेरे को, तो प्रिंस बताया। और बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, और क्या करूँ, तो बनाते रहेगा ना, तो ऐसे करके समझ नहीं आता कि क्या बोले। नहीं वो भी बात है। और भैया यहाँ पे बाल बना रहे हैं, ये कोई दिक्कत तो नहीं वीडियो बनाने? कोई दिक्कत नहीं। जब कोई भी अगर वीडियो मूर्ति लेने में इंटरेस्टेड होंगे तो यहाँ आइएगा, और जो पसंद आए मूर्ति वो ले लीजिएगा। अभी यहाँ पे बाल बना रहे थे, थोड़ी सी अटपटा लगता ही हल्का सा, क्या करें। अब आपको दिखा दूँ मैं, काफ़ी सारी मूर्तियाँ हैं मेरे पीछे और मेरे बगल में। ये बेहतरीन मूर्ति लग रही है भाई, ये बीच बीच का पार्ट है, ये दुर्गा जी की मूर्तियाँ। हाँ ये बीच भी सिंगल है यार, सिंगल पीस मतलब ये। हाँ ये मतलब वो ज़्यादा बड़ा था, ये थोड़ी छोटा है। तो चलिए आगे चलते हैं, काम चल रहा है पेंटिंग वगैरह का।
और ऐसे करके घूमेंगे तो बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। और भैया यहाँ पे पेंट मार रहे हैं, और काम बचा ही है, देख सकते हैं अभी आधा अधूरा काम चल रहा है। तो माता रानी की मूर्तियाँ, बाल वगैरह सब लग गया है, लेकिन ओरिजिनल बाल लगता है भाई, देख रहा है ओरिजिनल बाल है। और ये है बाल, जहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों ये बाल है, इसी बाल को लगाया जाता है। आप देख के नहीं बोलोगे कि नकली बाल, एकदम ओरिजिनल बाल लगता है। तो दोस्तों अब निकलते हैं यहाँ से, मशीन की वजह से कहीं मेरा आवाज़ ना कम आ रहा होगा, यहाँ से निकलते हैं। चले प्रिंस, कहाँ चले बता। देख सकते हैं लोकनाथ शिल्प भंडार नौपारा में, जो कि कहाँ चले, बाकी पंडाल ले लिए, पंडाल चले, पंडाल का लेने क्या। चलिए दोस्तों चलते हैं, चलिए दोस्तों रंगमंच वाला आपको पंडाल दिखाता हूँ, निकलते हैं पंडाल में, मिलते हैं डायरेक्ट।